पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल के खचानजी कुबेर श्री के प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय कार्यक्रम पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ है और देवताओं के खजांची भगवान कुबेर अपने नए मंदिर में स्थापित चांदी के भव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। बता दें कि बीते 12 जनवरी को जल कलश यात्रा और शुद्धि हवन महाविद्या पाठ के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। वहीं मकर संक्रांति के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि खाक चौक आश्रम बद्रीनाथ के संस्थापक बाबा बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने श्री कुबेर मंदिर निर्माण जीर्णोद्धार में अपार सहयोग किया है। पांडुकेश्वर से अजय कृष्णा मेहता की रिपोर्ट। जैसे कि आज पांडुकेश्वर गांव में 3 दिन की पूजा के पश्चात भगवान कुबेर जी लगभग 9 वर्षों के बाद अपने जो शीतकाल में जो भगवान कुबेर जी की जो पूजा होती है पांडुकेश्वर गांव में, उस मंदिर में आज प्रवेश हुए हैं। जिस तरह ये दक्षिण शैली में बना हुआ मंदिर है, क्यों और उत्तर के दीपाल जो है मात्र कुबेरी है, पूरे विश्व के अंदर एक ही मंदिर ये कुबेर जी है। तो हमने इसको बनाने में 5 साल लगे हैं इसमें, और आगे हम 3 दिनों से यहाँ पे निरंतर पूजा चल रही थी। इसके पहले पूर्व दिन में कलश आए, तत्पश्चात 3 दिन पूजा चली। रात और दिन की लगातार पूजाएं, जो मंदिर शुद्धिकरण की बात होती है वो सब किया गया। विशाल को नमन करते हुए, हमारे इष्ट देवता कुबेर भंडारी को नमन करते हुए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कि हमारी ये मंदिर जो है, पुराना मंदिर जो है, काफ़ी पहले जो है उसी स्थान पे जीर्णोद्धार हुआ है। मंदिर जो पुराना मंदिर था उसको तोड़ करके नया मंदिर बना, और ये मंदिर हमने विशेषतः सब गांव वालों की इच्छा थी, पूरे देश को जोड़ने की इच्छा।